हेलो एवरीवन, वेलकम टू बबली ब्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी 65। अगर आपको पसंद आता है तो आप सपोर्ट कीजिए। पानी रखा हुआ है मैंने गर्म होने के लिए, 2 मिनट के लिए। मैं पानी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें गोभी डालूंगी। गर्म हो गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालती हूँ, 1 चम्मच विनेगर डालूंगी। पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है, मैंने इसमें विनेगर और नमक भी डाल दिया। मैं कैलीफ्लावर डालती हूँ। पानी गर्म हो चुका है, 2 मिनट के लिए इसको गोभी को पानी में डाल देंगे। 2 मिनट बाद हम पानी से निकाल लेंगे। मिनट हो गया है कैलीफ्लावर को बॉईल किए हुए, अब मैं इसको निकालती हूँ। अब हम इसको निकालते हैं छलनी में और तुरंत ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेंगे। गोभी 65 बनाने के लिए चाहिए हमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटर सॉस और नमक। थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करती हूँ। थोड़ा और पानी डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। ये देखो हो गया, हमने मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। ऐसा ही लिक्विड होना चाहिए, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा गोभी को डाल के मिक्स करती हूँ। मसाला रेडी हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा गोभी डाल के मिक्स करती हूँ इसमें। ये अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गया कैलीफ्लावर। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। अब मैं फ्राई करने के लिए तेल डालने के लिए जा रही हूँ। तेल गरम हो गया है, इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। मैं फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। गरम करा, एक एक करके ही डालना है। अगर एक साथ डालेंगे तो वो जॉइंट हो जाएगा, वो चिपक जाएगा एक दूसरे से।
हम इसको फ्राई करते हैं। जल्दी जल्दी डालेंगे इसको और फ्राई करके निकाल लेंगे, एक साथ नहीं डालना हमें। फ्राई करने के लिए थोड़ा दूर हो जाओ, हरी मिर्च फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। कड़ी पत्ता जो मैंने फ्राई किया है मैं डालती हूँ। और हरी मिर्च भी गोभी 65 रेडी है। एक बार आप भी ट्राई कीजिए।